प्रक्रिया वही है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है जिसमें वही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 नंबर आपका गलत करने पर कटेगा, यदि आप गलत करते हैं तो कटेगा, सही के लिए एक नंबर, गलत के लिए एक चौथाई, मतलब 0.25 नंबर कट हो जाएगा। और पेपर में टाइम कितना मिल रहा है, 90 मिनट, अर्थात आपको 1.5 घंटा मिल रहा है 90 मिनट। तो अगर आप बाकियों से देखें, जैसे जीडी में क्वेश्चंस की संख्या घटा दी, टाइम घटा दिया, यहां पर वही है, कोई पेपर पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा, सही के लिए एक नंबर और गलत के लिए आपका एक चौथाई नंबर माइनस। उसके बाद में आपका ये जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इत्यादि होती है, नापतोल, उसके बाद में साथ ही फिर आपकी दौड़ भाग, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और उसके बाद में ज्वाइनिंग। 7,500 के करीब वैकेंसी है, तो और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भैया। इसमें सब्जेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो सब्जेक्ट वही है जो 2020 में थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप देखेंगे 4 इसमें आपके सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के 90 मिनट। तो 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही साथी नंबर 90 मिनट में, 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में यदि आप फिजिकल एफ इसमें एंड्योरमेंट और मेजरमेंट टेस्ट देखेंगे, नाप तोल दौड़ भाग,